सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको और प्रार्थना में जाएं सब जन कि परमेश्वर तेरा वचन आज हमारे जीवनों में काम करे, तेरा वचन हमारे जीवनों को छुए, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे। परमेश्वर परमेश्वर जिस तरह से तूने बंदियों को छुटकारे का प्रचार किया यानी कि तूने वचन दिया परमेश्वर, आज जैसे ही तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ की प्रेजेंस में जब वचन बोला जाए परमेश्वर तो हर एक सुनने वाले के जीवन में वो वचन काम करे। हर एक सुनने वाला इस प्रेजेंस में जो जन आ जाए हैं परमेश्वर तेरी सामर्थ से भरे, आज तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में चुंबश करे, तेरी सामर्थ हर एक के व्यक्ति के जीवन में चुंबश करे परमेश्वर, तेरी योजनाओं को हर एक व्यक्ति जानने पाए, हर एक विश्वासी के जीवन से हर एक नॉनसेंस आज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की सब जन को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिस तरह से बहुत से हम सब जानते हैं कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ, हजारों सैकड़ों लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी, उसी तरह से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने कुर्बानी दी थी। हालेलुया। इसलिए आज हम ना केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी आज हम आजाद हैं। आमीन। उस परमेश्वर ने जिसने कोड़े खाए, इतने दुख सहे, क्रूस पर चढ़ाए गए, उस परमेश्वर ने हमारी आजादी के लिए इतने दुख सहे, कुर्बानी दी, उस परमेश्वर के लिए भी, उस आजादी के लिए भी आज हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। सब जन अपनी जगह पर बैठ जाए, आत्मा में मेरे साथ रहें सब जन। जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इस प्रेजेंस में आप सबके साथ हैं, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर जी का मसा आज आपके साथ है। आमीन। आज इस मीटिंग में वो मसा जो परमेश्वर के दास के जीवन में काम करता है, वो मसा जो मेरे जीवन में काम करता है, वो डबल ग्रेस आज एक एक जन को छुएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारी शिफा के लिए, हमारी आजादी के लिए, लेकिन आज बहुत से लोग मसीह होने के बावजूद भी आज दुखों में हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हुए, चंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो आज भी क्या है, आज भी रोगों में है। यीशु का वचन क्या कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीमारी में हैं, तो वो बीमारी क्या है उनकी लाइफ में, वो एक नॉनसेंस है। हालेलुया। वो क्या है उनकी लाइफ में, एक नॉनसेंस है। परमेश्वर ने हमारे पापों को खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए लहू बहाया, लेकिन मसीह में आने के बाद कुछ लोग अभी भी पाप में हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं, और वो पाप जो फिर से पाप में पड़ना, उस मसीही के लिए वो क्या है, एक नॉनसेंस है। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वचन भेजा है, हमें कुछ रास्ते बताए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके हम उन नॉनसेंस को खत्म कर सकते हैं। आमीन। जो यहूदी कौम है वो क्या थी, वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। जब एस्तर रानी बनाई गई तो क्या हुआ, बहुत से यहूदी लोगों को मार कराना था। जब एस्तर ने ये सुना तो उसे एक नॉनसेंस बात जान पड़ी कि किस तरह से यहूदी लोग
परमेश्वर की चुनी हुई कौम, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को कोई कैसे हाथ लगा सकता है, कोई कैसे मार सकता है। तो उसने क्या किया, 3 दिन रात के रोजों और प्रार्थना में गई। आमीन। तो उसका क्या रिजल्ट आया, नॉनसेंस खत्म हुई और शैतान शर्मिंदा हुआ। ना केवल वो उसका रिश्तेदार, ना केवल यहूदी कौम, बल्कि अन्य बहुत से लोग बचाए गए और मसीह में आए। आमीन। तो उसी तरह से नॉनसेंस को खत्म करने का आज दिन है आपका। अपने दिलों को खोलें, आज आपकी नॉनसेंस खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज आपकी नॉनसेंस, हर एक नॉनसेंस, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो शैतान के अटैक हो, चाहे वो बंधनों में पड़ना हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो हर तरह का श्राप हो, चाहे वो रोग हो, हर एक नॉनसेंस का आज खत्म होने का आखिरी दिन है। आमीन। सबसे पहले हम परमेश्वर के नाम में फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि कैसे आप नॉनसेंस को अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। किस तरह से पीछे चलना है, जब 12 साल से जिस स्त्री को लहू बहता था, लगातार लहू बह रहा था, सभी वैद्य सभी डॉक्टर्स को चेक करा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना पैसा था, सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा था। तब उसने यीशु की क्या सुनी, चर्चा सुनी। जैसे ही यीशु की चर्चा सुनी, वो परमेश्वर के पीछे भागने लगी। उस समय इतनी लंबी बीमारी के कारण वो दुखी होगी, वो बीमार होगी, वो इतनी कमजोर हो चुकी होगी, इतने कपड़े उसके गिले और खराब हो चुके होंगे, इतनी बदबू आती होगी इतनी लंबी बीमारी के कारण, लेकिन फिर भी उसने एफर्ट किया और परमेश्वर के लिए उठी, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वो उठी। और जैसे ही उठी और मुंह से क्या कहती है कि आज मेरा दिन है। आमीन। मुंह से कहती है कि आज मेरा दिन है, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, जैसे ही मैं यीशु को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही वो परमेश्वर के पीछे गई और उसने परमेश्वर के चोर को छुआ वस्त्र को, उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में एंटर हुई और उसी वक्त वो चंगी हो गई। हालेलुया। और अन्य बहुत सी भीड़ थी जो यीशु के पास थी, गिरनी पड़ती थी परमेश्वर के ऊपर, साथ साथ जा रही थी, लेकिन उनके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ एंटर नहीं की। परमेश्वर ने पूछा, किसने मुझे विश्वास के साथ छुआ, कि मेरी बॉडी से, मेरे अंदर से सामर्थ निकली, किसने छुआ। तो सभी हैरान थे कि भीड़ तो तुम पर उमड़ पड़ती है, सभी तुम्हें टच कर रहे हैं और परमेश्वर आप बोल रहे हो कि किसने छुआ। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने उस भीड़ की तरह बनना है जो परमेश्वर के साथ साथ थी, परमेश्वर की प्रेजेंस में थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए, अपने रोगों की शिफा के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। लेकिन वो स्त्री जब विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे गई और जैसे छुआ परमेश्वर को, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो क्या थी, वो 12 साल की बीमारी, वो 12 साल की बीमारी एक नॉनसेंस थी। एक नॉनसेंस है एक परिवार में, एक पर्सन की लाइफ में अगर वो बीमार है तो वो क्या है, वो एक नॉनसेंस है। उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, उस भीड़ की तरह नहीं, बल्कि उस स्त्री की तरह जिसने ना केवल मुंह से कन्फेस किया कि परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज जैसे ही मैं परमेश्वर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, बल्कि अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में भी एफर्ट करके परमेश्वर के पीछे चलती गई। हालेलुया। तो उसकी लाइफ की 12 साल की नॉनसेंस एक ही पल में खत्म हो गई। तो उसी तरह से आज आपका दिन है, जिस तरह से उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने उस नॉनसेंस से शिफा पाई, उसी तरह से आप भी आज शिफा पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। उसकी लाइफ में अंधकार क्या था, नॉनसेंस क्या थी, नॉनसेंस थी उसकी बीमारी। जब वो परमेश्वर के पीछे गई तो अंधकार रूपी नॉनसेंस, वो बीमारी उसी समय उसकी लाइफ से खत्म हुई और क्या आई, परमेश्वर का उजाला उसके जीवन में आया। आमीन। वो उजाला डिफरेंट, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरह से होता है। किसी की लाइफ में होता है कि उसके बांझपन से जब उसे गर्व के साथ ब्लेस हो तो उसका बांझपन जाता है, तो वो अंधकार है बांझपन, और गर्व के साथ ब्लेस होना क्या है, उसके लिए उजाला है। मेरे लिए क्या था, अंधकार के, मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद बोल नहीं सकती थी। और उजाला क्या हुआ कि जब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतरी तो मैंने लाखों लोगों में क्या किया, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। ये मेरी लाइफ में क्या था, उजाला था, मेरी लाइफ से नॉनसेंस खत्म हुई। आमीन। तो उसी तरह से यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपकी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म होगी,
हर एक नॉनसेंस, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे बिजनेस फेलियर हो, चाहे एक बांझपन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मंद बुद्धियां हो, चाहे शैतान ने और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, अगर आप परमेश्वर के पीछे गए तो आपकी लाइफ की नॉनसेंस आज खत्म होगी। आमीन। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने एक भीड़ की तरह बनना है, जो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर को टच कर रहे थे, परमेश्वर के सामने थे, परमेश्वर की वचन को सुन रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ उनकी लाइफ में एंटर नहीं की, परमेश्वर की सामर्थ को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बल्कि वो एक स्त्री ने जो दुखों में थी, निराशा में थी, इतनी लंबी बीमारी में थी, शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, निर्बल थी, निराशा में थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करते हुए जब वो परमेश्वर की ओर गई, परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, तो क्या हुआ? उसकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य एंटर हुई। आमीन। और सबसे बड़ी उसकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म हुई।